हारनपुर के थाना सदर बाजार परिसर में प्रभारी निरीक्षक कार्यालय व थाना कार्यालय का जीर्णोद्धार व व नवनिर्मित आगंतुक शेड के शिलालेख का अनावरण कर उद्घाटन किया गया जिसका उद्घाटन डीआईजी अजय साहनी व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने रिबन काट कर किया एसएसपी विपिन ताडा ने कहा कि थाना सदर बाजार महत्वपूर्ण थाना है और इसे न्यूयॉर्क की तर्ज पर बनाया जाएगा जो भी यहाँ आए वह थाने को ही देखता रह जाए इस दौरान कार्यक्रम में सभी पार्षदों और शहर के ज़िम्मेदार सामाजिक व वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया जनपद सहारनपुर में सदर बाजार थाने का पूरी तरह से आज एसएसपी सहारनपुर और उनकी टीम के द्वारा नवीनीकरण किया गया था उसके संबंध में यहाँ के सभी जो सम्भ्रांत नागरिक हैं वरिष्ठ नागरिक हैं रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं और जनप्रतिनिधिगढ़ हैं सभी को यहाँ मिलजुल कर एक बात सबको उनको बताई गई कि पुलिस द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएँ जनता के लिए की गई हैं साइबर क्राइम के बारे में बताया गया ट्रैफिक के बारे में बताया गया लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए उनके सुझाव भी यहाँ पर सुने गए नया थाना जो नवीनीकरण हुआ है इसमें एक नई टेक्नोलॉजी के साथ बेड डेस्क बनाया गया है और सीसीटीवी से इसको अच्छा किया गया है पब्लिक आए पब्लिक के आने के लिए एस एसवी सहारनपुर द्वारा पब्लिक के बैठने का एक अच्छा सा सेट बनाया गया है जहां पर हम थाना दिवस वगैरह के कार्यक्रम भी कर सकें और जनता अपनी कोई भी समस्या लेके आ सकती है वहां बैठे पानी पिए आराम से अपनी बात कहे पुलिसकर्मियों की बात को सुने इसी के क्रम में आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे के साथ साथ कुछ को सहारनपुर में पद्म विभूषण विदुषी गिरिजा देवी की स्मृति में जनमंच सभागार में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं संगीत नाटक अकादमी के निदेशक डॉक्टर शोभित कुमार नाहर ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम में उस्ताद सखावत हुसैन रामपुरी और सुश्री पद्मजा चक्रवर्ती ने अपने स्वरों को संगीतमय धागे में पिरोकर सांस्कृतिक प्रस्तुति की ऐसी सुंदर माला बनाई कि हर कोई मंत्र मुगध हो गया ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है और ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ये पुष्पांजलि कार्यक्रम है जो पद्म विभूषण गिरजा देवी जी की स्मृति में हम लोग आयोजित कर रहे हैं पुष्पांजलि इस कार्यक्रम का नाम है जिसमें उनसे जुड़े हुए जो उनके शिष्यगण हैं या अन्य अन्य जो कलाकार हैं वो अपनी भावों के माध्यम से स्वरों के माध्यम से यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो ये उनको याद करने की हम लोग का ये कार्यक्रम है किस तरह से जो है यहाँ पर अतिथि आए हैं डी साहब भी हैं और भी अतिथि ये पहली बार ही इस प्रकार का आयोजन ये हम सहारनपुर में आयोजित कर रहे हैं और जैसा कि हमें बता रहा था कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संस्कृति मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी इन लोग का बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन है कि कला और संस्कृति के उन्नयन के लिए पूरे प्रदेश में जितनी हम व्यापकता से इसका प्रचार प्रसार कर सकें उसी क्रम में यह आयोजन प्रथम बार सहारनपुर में आयोजित किया जा रहा है और सहारनपुर की जनता का ये जो हम प्यार और आभार हम देख पा रहे हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग ने हिस्सा लिया है और सभी वर्ग के और सभी अपने अपने विशेष हैं वो अपने स्थान पर जिलाधिकारी महोदय एस डी और व्यापार मंडल के पार्षद तो ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो मैं ये सहारनपुर की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के आयोजन में उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है और संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम में अपना अभिपूर्ण सहयोग प्राप्त हमें दे रहे हैं वो सहारनपुर में लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में चौधरी चरण सिंह ग्राम्य विकास संस्थान भारतीय किसान यूनियन वर्मा द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी का इजहार केक काटकर मिठाई वितरित कर किया कार्यक्रम को संस्थान के प्रबंध निदेशक एवं भाकयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया इस अवसर पर चौधरी यतेन्द्र पवार नाथू सिंह ठेकेदार मनोज मलिक नीरज मलिक प्रवीण चौधरी मीनू कुमार अरविंद मलिक सुधीर चौधरी हरेंद्र कुमार आशीष कुमार मोहम्मद जावेद आसिम मलिक व जाहिर तुर्की आदि उपस्थित रहे उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के लेबर कॉलोनी में आज चौधरी साहब को चौधरी चरण सिंह जी को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है उसके उपलक्ष्य में केक काटकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को आपका जो है जश्न मनाया जा रहा खुशी मनाई जा रही है लेकिन सवाल भी साथ में खड़ा है कि तीन दशक के बाद में क्यों याद आए चौधरी चरण सिंह जी पूर्व में दो योजनाएं सरकार कांग्रेस की रही है दो योजनाएं सरकार भाजपा की रही है लेकिन आज भाजपा सरकार को पिछली दो योजनाओं में क्यों नहीं याद आया आज ही क्यों है चुनाव का समय है इससे पहले क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी दबे कुचले कमजोर कमेरे के किसानों के मसहा थे और उनकी आवाज़ बनकर चले थे इसलिए वर्तमान सरकार को अपनी सत्ता अपनी कुर्सी जाते नजर आई इसलिए आज उन्हें जो है भारत रत्न देना याद आया है ये बड़ा सवाल है इन्हें लगता था वर्तमान सरकार को क्योंकि कमेरा किसान कमजोर गरीब वर्ग का है लोग वोटर है और ये इस लोगों को इनका दिल जीतने के लिए सरकार ने आज चुनाव से पूर्व ही ये इशारा किया है लेकिन वर्तमान सरकार ये भूल गई कि सरकार गरीबी को और गरीबी बढ़ रही है गरीबी पर कोई अंकुश नहीं लगा महंगाई बढ़ती जा रही है बेरोजगारी बढ़ रही है जीडीपी घट रही है देश की अर्थव्यवस्था छिन भिन होती नजर आ रही है और अपनी कुर्सी का जाने का डर था तो चौधरी चंसिंग सिंह ने याद आए, आज इसलिए जो है अब खुशी के साथ साथ लेकिन सरकार की इस चीज़ को जनता समझ चुकी है धन्यवाद सहारनपुर ग्राम पंचायत राज्य सफाई कर्मचारी संघ ने समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन विकास भवन में किया बैठक को संबोधित करते हुए कर्म सिंह जिला अध्यक्ष ने कर्मचारियों के साथ समस्याओं पर विस्तार चर्चा की माननीय मुख्यमंत्री मोदी की जो एक बहुत बड़ी योजना है सफाई कर्मी की तो उसमें जो है बदनाम बदनाम हो रहा है क्योंकि जो है सफाई व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं जबकि जो है लगभग ज़िले में लगभग डेढ़ सौ से दो सौ कर्मचारी दो सौ से ढाई सौ कर्मचारी लगभग जो है अटैच कर रखे हैं संबन्नता के नाम पर फर्जी नियुक्ति गांव में दिखा रखी है जबकि उनके कहीं भी संबन्नता के ऑर्डर नहीं है कहीं भी और जो है कोई भी ऑर्डर नहीं है और जब हम भी इस संबंध में बात करते हैं तो हमारे जो जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय हैं मैं केवल गुण दोष के आधार पर कहते हैं कि गुण दोष के आधार पर हटा दे जाएंगे जबकि माने अटैच कर इन्हें अधिकारियों की निजी सेवा में चाहे वो खाना खाना बनाने की चाहे गाड़ी चलाने की चाहे वो दूसरे विभागों में भी सभी विभागों में जो है सफाई कर्मचारियों को अटैच किया गया है जबकि जो है और दूसरी सब सबसे सब बड़ी जो बहुत विकट समस्या है दो दो तो हज़ार की आबादी पर जो है तीन तीन कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं और पंद्रह पंद्रह हज़ार के जो पंद्रह पंद्रह हज़ार के बड़े बड़े गांव हैं उसमें केवल एक ही कर्मचारी है जबकि महिला कर्मचारियों की नियुक्ति शासन से जो है पाँच किलोमीटर की परिधि में करने का प्रावधान माने डायरेक्टर महोदय ने किया है और उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया उनकी महिलाओं